ये तुम्हारे लिए लाए हैं। वो कहते हैं ना कि सामने वाले को फूल देने से उसकी जिंदगी में खुशबू आती है और उसके थोड़े दुख कम हो जाते हैं। इसलिए लाए हैं, ये लीजिए। जब भी कोई बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, ऐसा क्यों? यू नो व्हाट, आई थिंक माँ भी ये सब जान स्टॉप इट। और नेक्स्ट टाइम ना माँ भी के बारे में कुछ भी बोलना तो पहले सोच लेना क्या बोल रही हो तुम। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है। वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं तुम्हारे लाइफ में, और इसलिए तुम मुझे इग्नोर करते हो, सिर्फ उनकी बात मानते हो। तुम्हारी गलती क्या मैं बताता हूँ? इस घर में सबसे बड़ी परेशानी जो मेरी है आज वो तुम हो। सारा काम मुसीबत है बे, इतना बड़ा घर हमको नींद नहीं आ रहा है, है? हम कहाँ देख रहे हैं बे? कई साला सपना तो नहीं देख रहे? साला इस मौके का तो हम जरूर उठाएंगे फायदा। अरे कभी तो काम आएंगे ये लटके झटके। जय संतोषी। छोड़ो ना ये सब बातें, अब जल्दी से चलो अंदर, अगर कोई उठ गया तो मेरी क्या इंप्रेशन पड़ेगी। हाँ अगर तुम मुझसे सच्चा वाला प्यार करते हो तो तुम मेरी बात जरूर मानोगे। बोलो चले अंदर। ये अच्छा, अब जब बात प्यार की हो गई है तो फिर चलना ही पड़ेगा। Like my baby. चो। इस रिया ने तो धैर्य को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। कुछ भी करके रिया के हाथों से धैर्य की डोर खींचनी पड़ेगी। रिया मैडम एक बात कहें, अब आपको और धैर्य सर को शादी कर लेनी चाहिए। कहते हैं रिश्तों को ज्यादा खींचो तो उसकी मिठास चली जाती है। शक्कर कितनी चम्मच? एक। वैसे तुम्हें मेरी शादी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? नहीं नहीं हम तो बस ऐसे कह रहे थे, अगर आप शादी कर लेती तो आपको यहाँ ऐसे नहीं रहना पड़ता। और वैसे भी जो भी हो शादी के पहले ऐसे एक साथ एक कमरे में रहना सबको अजीब लगता है, आपको भी लगता होगा। देवी संतोषी, आपके श्रम से ये उपवन पुनः हरा भरा हो गया है, ये देखकर हम अत्याधिक प्रसन्न हैं। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। माते हमने अपना कार्य तो कर दिया, अब देवराज इंद्र वर्षा कर दे तो समस्त वाटिका पल्लवित हो जाएगी। सत्य कह रही है देवी, हम देवराज इंद्र से निवेदन करेंगे कि देव वाटिका में शीघ्र ही वर्षा करवाए। देवी संतोषी की सहायता के लिए आप सब देव हमारे स्वामी इंद्रदेव से वृष्टि का आह्वान कर रहे हैं। वृष्टि तो हम करेंगे, जो देवी संतोषी के जीवन और उनकी भक्त संतोषी की सृष्टि को बदल देगा।